हर हर महादेव भाइयों। तो हम इस समय है झारखंड में और हमारी टाटा योद्धा पे लोड है पेपर रोल, जो कि कल रात में लोडिंग होकर निकला है। मतलब चिप्स पैकेट का जो भी पैकिंग होता है उसी का प्लास्टिक है। और ये जाएगा पाकुड़ में, है दुमका रोड में। और यहाँ सामने में होटल है, तो रुके हैं खाना खाने के लिए। होटल के पास छोटा छोटा पेड़ पौधा है, काफ़ी खूबसूरत है। और झारखंड का मौसम भी ठंडा है। तो भाई हम सभी अपने ड्राइवर भाइयों से कहना चाहेंगे कि जो ओवरलोड का चालान है उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, क्योंकि ओवरलोड 2 टन का ही 2000 रुपया होता था 1 टन का, लेकिन इस समय हो गया है करीबन हमको लगता है 13 से 14 हज़ार रुपया टन। तो इतना महंगा चालान है और हर एक गाड़ी ओवरलोड तो चलती नहीं है, क्योंकि ये सब गाड़ी अंदर लोड में ही माल चलता है। सिर्फ हम ही लोग की गाड़ी है जो कि ओवरलोड में चलती है। छोटी गाड़ी जैसे मैजिक और टाटा ही गाड़ी बस ओवरलोड चल रही है। और होटल के पीछे काफ़ी खूबसूरत शंकर भगवान का मंदिर है और सामने में CCTV कैमरा भी लगा है। और यहाँ होटल के अंदर का पोजीशन है। और ये आ गया हमारा खाना, इसमें मिक्स हुए सब्जी है, सलाद है, आलू का भुजिया है और रहर का तड़का, रोटी। खाने के बाद यहाँ पे पैसा भी दे दिए चाचा को। तो भैया पानी देखने के बाद नहाने का मन किया, इसके लिए यहाँ पे आ गए। तो भैया निकलते हैं पाकुड़ की तरफ, क्योंकि शाम तक पहुँच के गाड़ी को खाली भी करना है। और आगे का टायर जगह जगह से दबा दिया है, सामने में आगे का टायर मतलब जगह जगह से दबा दिया हुआ। ड्राइवर लोग समझ जाएंगे, बाकी तो भाई किसी का बात ही नहीं मालूम है। तो भैया निकल गए होटल से अपने मंजिल की तरफ। तो भाइयों पाकुड़ है अभी 141 किलोमीटर और दुमका 78, साहेबगंज 227। और जामताड़ा में हम इस समय आ चुके हैं और सामने में दाहिने हाथ में जो रास्ता गया है वो चला जाएगा जामताड़ा बाज़ार। और सिंगल रोड पर बहुत ही बड़ा गाड़ी जा रहा है, इसमें टायर कितना है कोई शायद गिन पाए। और इसके लिए एक आदमी देखिए वहाँ पर खड़ा होके तार को उठा रहा है ताकि गाड़ी आराम से पार हो जाए। और एक आदमी पीछे पीछे ऐसे चलता रहेगा। और टायर गिना जाए तो बहुत ही ज़्यादा टायर है इसमें। ऊपर केबिन में पूरा घर है खाना पीना बनाने के लिए। और यहाँ रोड पे पाइप लग रहा है साइड साइड में, पूरा काम कर रहे हैं। और ये रोड पूरा है सिर्फ पाकुड़ तक सिंगल है,